दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया जोन में। दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है और इसका क्या फ़ायदा और इसका क्या नुकसान है। जैसे कि दोस्तों इसका ये फ़ायदा है कि आपका मोबाइल कोई हैक करता है, जैसे कि आपके पूछे आपके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में लेकर चलाते हैं, अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं, तो अगर आप लोग इसे ऑन कर देंगे तो आपसे बिन पूछे वो अपने मोबाइल में वो अपने आपके व्हाट्सएप को वो ऑन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे इसे ऑन करना है तो वो चलिए मैं आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके साथ इस घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो का करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको थ्री लाइन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नीचे में देखने को मिल जाएंगे तुरंत ऑन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP पिन मांगेगा। चलिए मैं 6 डिजिट का यहाँ पे पिन बना लेता हूँ। बनाने के बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पर फिर से मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कई एक ईमेल आईडी डाल देना है, जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर दूँगा। जो ईमेल आईडी मैंने पीछे डाला वही ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और कंफर्म कर देने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे डन का बटन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली सा डन वाला बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कि मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया है। और अब जब भी वो अपने मोबाइल में मेरे वाला व्हाट्सअप ऑन करेगा तो उसे ये जो मैंने पिन बनाया वो पिन आपको मांगेगा। तो पिन मांगेगा तभी वो अपने मोबाइल में मेरा वाला व्हाट्सअप चला सकते हैं, चाहे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में।